वर्कआउट की पोजीशंस को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं क्रॉस ट्रेनर से, 10 मिनट क्रॉस ट्रेनर के करने के बाद मैं, और इसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ जिम के अंदर। ये मैं जिम में एंट्री करते हुए और 2 बजे के आसपास का टाइम है और इस टाइम पर जिम पूरा खाली है। तो ये हमारा जो है लो इंक्लाइंड बेंच, इस पर कि हमें डंबल बेंच प्रेस परफॉर्म करनी है। तो 25 kg का डंबल लिया है मैंने। तो गाइस इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो मेरा जो लोअर आर्म है वो मेरे ट्रंक यानी टॉर्सो से कम्प्लीटली 90 डिग्री के अराउंड आता है, यानी कम्प्लीटली सीधा 90 डिग्री। पोस्चर इम्प्रूवमेंट के बाद मेरा जो एंगल है वो घट के कम हो जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम हो जाती हैं और इससे लोड आपके शोल्डर से बहुत कम आता है और इससे आपके शोल्डर को हेल्प मिलती है इंजरी फ्री होने में। सेकंड वर्कआउट रोमानियन डेडलिफ्ट। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब तक जो मैं RDL परफॉर्म करता था उसको मैं बिल्कुल ज़मीन से कैरी करता था, बट अब मैं उसको थोड़ा सा एक हाइटेंड बार जैसे यहाँ मैंने स्मिथ मशीन का यूज़ किया है इस तरीके से करता हूँ। RDL के ही सेकंड सेट में गाइस मैंने इसेंट्रिक मोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसेंट्रिक मोशन यानी कि वेट को जब मैं नीचे लाता हूँ तो उसको काफ़ी कंट्रोल्ड वे में धीरे धीरे नीचे लेके आना होता है, और ये मोशन ही डिस्टिंग्विश करता है एक नॉर्मल डेडलिफ्ट को RDL यानी रोमानियन डेडलिफ्ट से। तो ये 2 इम्प्रूवमेंट्स मैंने अप्लाई किए गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेट को मैंने हाइट से लिया, सेकंड इसेंट्रिक कंट्रोल करने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्कआउट केबल लैट पुल डाउन। तो गाइज इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने बेंच को 90 डिग्री पर रखा है, और इससे पहले जब मैं वर्कआउट करता था उसमें आप बेंच को मैं बिल्कुल एक एंगल पर रखता था टिल्ड करके। इसमें मेरी जो आर्म थी वो केबल के बिल्कुल अलाइन होती थी लाइन ऑफ फोर्स में, और इस तरीके से वर्कआउट करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप लैट पुल डाउन मशीन के बिल्कुल नीचे बैठे हों और सीधा स्ट्रेट उसको पुल कर रहे हों। लेकिन इसमें मैंने एंगल को अपनी बॉडी से 120 टू 150 डिग्री के अराउंड रखने की कोशिश करी है केबल के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप बेटर पुल कर पाते हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटर हो पाता है, सेकेंड थिंग इंजरी के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो गाइस शोल्डर डिसलोकेशन होने के बाद मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेग एक्सटेंशन नेक्स्ट वर्कआउट हमारा। तो गाइस इस वर्कआउट को जो मैं परफॉर्म करता हूँ हमेशा करता आया हूँ, उसी तरीके से अभी इस फर्स्ट सेट में परफॉर्म करूँगा। इस पैड को मैंने अपने एंकल्स के पास रखा हुआ है, वेट को लगाने के बाद मैं सिंपली बैठा हुआ नॉर्मल अपने सिटिंग पोजीशन में और लेग एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो गाइस सेकंड सेट जिसमें कि मैंने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है, इसमें मैंने पैड को अपने एंकल से थोड़ा ऊपर यानी नीज के पास रखा है। सेकंड पोजीशन आप देख सकते हैं कि मेरी जो बैक है वो थोड़ी पीछे हो गई है और हिप्स जो है थोड़े एक्सटेंडेड पोजीशन में है यानी एक्सटेंशन में है। तो इस तरीके से गाइस मैंने परफॉर्म करने की कोशिश करी है। ये फिर से मैंने दोबारा से एक बार अपने बैक को ब्रेस करके हिप्स को एक्सटेंड करने की कोशिश करी है। इस तरीके से आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस केबल स्कल क्रशर हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है, और इसको मैंने जो है राइट हैंड से परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, और लेफ्ट हैंड से मैंने स्टेबिलिटी के लिए अपने आर्म को पकड़ा हुआ है, और वो भी हाथ मेरा ट्राइसेप्स के पास है जिससे कि मैं ट्राइसेप्स की मूवमेंट और उसकी एक्टिवेशन को भी चेक कर सकता हूँ, प्लस स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो गाइस ये वर्कआउट भी काफ़ी अच्छा वर्कआउट है। इसमें आपकी जो ट्राइसेप्स है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, और एक्सटेंशन की पोजीशन में आने के बाद ट्राइसेप पे जो है पंप काफ़ी अच्छा आता है। काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, आप भी अपना रेगुलरली इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट में गाइस मैंने चेस्ट को अपने जो है इंक्लाइंड बेंच की सपोर्ट पे लगाया है, और उसके बाद अपना गर्दन का मूवमेंट चेक किया है। इसके बाद मैंने नेक एक्सटेंशन वर्कआउट करना शुरू किया है। ये 10 kg का वेट है गाइस, लास्ट टाइम से थोड़ा मैंने इंक्रीमेंट किया है। पहले मैं 7.5 kg करता था और अब मैं 10 kg पे आ गया हूँ। फर्स्ट सेट 10 kg, सेकंड सेट 7.5 kg। तो गाइस तो ये काफ़ी वर्कआउट थोड़ा सा इतना ईजी नहीं है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अपने हेड के वेट से ही परफॉर्म करें स्टार्टिंग में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हर बार गाइस मैं कॉशियसली इस वर्कआउट के लिए आपको बोलता हूँ, क्योंकि ये वर्कआउट थोड़ा सा डेंजरस कैटेगरी में आता है, गर्दन का वर्कआउट वैसे ही है। तो गाइस ये आपका थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर और अनवेटेड करिए। पहले अपने स्ट्रेंथ को चेक करिए, उसके बाद ही आगे वेट यूज़ करिए। गाइस आपने देखा होगा पुरानी वीडियोज़ में, पहले मैं 5 kg, फिर 7.5 kg, फिर 10 kg पर आया हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप अपने स्ट्रेंथ को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा।
वेटेड नेक एक्सटेंशन करने के बाद गाइस मेरी कोशिश ये रहती है कि इसको मैं जो है अपने हेड के वेट से ही परफॉर्म करूँ। इससे थोड़ी जो स्टिफनेस होती है वो जो वेट के थ्रू आती है वो कम हो जाती है। रशियन ट्विस्ट नेक्स्ट वर्कआउट गाइस, 10 kg की प्लेट का यूज़ किया मैंने और इसमें जो मेरे पैर है वो हवा में रहते हैं और गाइस थोड़ी सी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है मुझे, बट अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको इम्प्रूव करने की। गाइस ओब्लिक्स रेक्टस एब्डोमिनिस प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये आपके मसल्स जो है टारगेट होते हैं रशियन ट्विस्ट में। लेग कर्ल नेक्स्ट वर्कआउट गाइस, और इसमें मैंने आप जैसे देख सकते हैं मशीन के दोनों पैड के बीच में अपने हिप्स के जॉइंट को यूज़ कर रखने की कोशिश करी है, और जब इससे पहले मैं वर्कआउट करता था उसमें मैं किस तरीके से इनको नीचे रखता था तो ये पोजीशन मैंने चेंज की है। सेकेंड थिंग गाइस, मेरा सर्वाइकल एरिया और जो अपनी मेरी गर्दन है उसको भी मैंने नीचे की तरफ रखने की कोशिश करी है। ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें और वर्कआउट करते रहें।